सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रतन इंडिया पावर। जी हाँ, हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके क्वार्टर वन रिजल्ट को लेकर। तो चलिए, आपको इस वीडियो में सभी अपडेट्स मिलेगी क्वार्टर वन से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखोगे, इसका जो करंट प्राइस है वो 3.87 रुपये है और आज स्टॉक के अंदर अप्रोक्सीमेट 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ इसके क्वार्टर वन से रिलेटेड अपडेट, तो आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे इसका कैसा प्रदर्शन रहा था। तो दिसंबर क्वार्टर में और जो मार्च क्वार्टर में डिफरेंस है वो आप देखोगे, दिसंबर क्वार्टर में 804 करोड़ का हमें रिवेन्यू देखने को मिला था, जबकि मार्च क्वार्टर में आप देखोगे 823 करोड़ का। तो मार्च क्वार्टर में रिवेन्यू में जंप था। और वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी हमें जो ना जंप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट में भी जंप था। तो अब आप देखोगे आज आने वाला इसका क्वार्टर वन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो किस टाइम तक आएगा, क्या उसकी टाइमिंग रहने वाली है, तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो आप देखोगे यहाँ पर जो ना अपकमिंग रिजल्ट दिए गए हैं, जिन कंपनियों के रिजल्ट आने, यहाँ पर कंपनियों का नेम और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड टाइम देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे किसकी, रतन पावर इंडिया की। तो चलिए, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं सीधे आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपको किसी और का देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम रतन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका टाइम जो है ना कब तक दिया गया है। तो आप देखोगे रतन इंडिया पावर का जो टाइम दिया गया है वो आप देख सकते हो 8:30 से 9:30 के बीच का है। जी हाँ, 8:30 से 9:30 के बीच में इसका क्वार्टर रिजल्ट आएगा। अगर जैसे ही आ जाता है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। ये एक्सपेक्टिंग टाइम है। जी हाँ, एक्सपेक्टेड टाइम है ये, न कि एक्चुअल टाइम है। इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। तो जैसे ही आ जाएगा सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अगर आपको इसका क्वार्टर वन रिजल्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करके रखना, ताकि जैसे रिजल्ट डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।